हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीचर्स एम्पायर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपोर्टेंट होंगे उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये एग्ज़ाम एक सिलेबस ओरिएंटेड एम सी क्यू में यहाँ पर लाया हूँ कोई भी फालतू तो के एम सी क्यू आपको नहीं मिलेंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने मार्क्स भी नोट डाउन करते रहें कि आप इसमें कितने मार्क्स कंटेन कर रहे हैं लगभग कुछ ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब ये है कि जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग ऐसे ही होंगे अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से आएंगे लेकिन इतना जरूर है कि बेसिक क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपको मेरी इन वीडियो से काफ़ी मिलता जुलता एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन से और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसको लगता है कि नहीं ऐसी यूट्यूब वीडियो हमें नहीं देखनी चाहिए ज़्यादा क्वेश्चन हम कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम के आप, आपको चाहिए कि आप कंसाइज पढ़ें छोटा सा ही पढ़ें लेकिन वो आप आप उसको मजबूत करते रहिए आप रिवाइज करते रहिए लेकिन मैंने कोशिश ये करी है उन क्वेश्चन को लाने की जिनमें आप फंसे ना जिनमें आपको कोई नई चीज नोट करनी पड़े जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं ऑब्वियसली बात है लेक्चर के लेवल तक जो बच्चा है तो उसको ये बेसिक टर्म तो आते ही होंगे ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपको एक एज देते हैं एग्जाम में एज का मतलब वो आपको और आगे बढ़ाएंगे ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए वरना एक वंडर मिस्टेक कही जाएगी और आपको यही क्वेश्चन पीछे धकेलते हैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से कल मैंने अड़तीस उनचालीस नंबर तक के क्वेश्चन किए थे आज फिर से मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करता हूं क्वेश्चन आपके सामने है। देयर स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटीमेंट फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ओट इज आफ्टर ग्रीक रिजर्व बाई विच पोएट्स टू कन्वे देयर स्ट्रोंगेस्ट सेंटीमेंट्स मतलब ओट का ग्रीक के बाद ओट का यूज किसने किया था अपने सेंटिमेंट्स को कन्वे करने के लिए क्या ओट का यूज़ रोमांटिक पोएट्स ने किया था या मेटाफिजिकल पोएट्स ने किया था या कैविलियर पोएट्स ने किया था ऑबियस की बात है ओट आप सभी ने पढ़ा होगा इजीज आप सभी ने पढ़ें होंगे इसका जो सही आंसर है ध्यान दीजिएगा रोमांटिक पोएट्स इसका सही आंसर है ठीक है आपने इतना ध्यान रखना है कि रोमांटिक पोएट्स ने ओट का ज़्यादा यूज़ किया था बस इतना ही काफ़ी है बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच कैन बी जनरलाइज एज फॉर्मल एड्रेस टू एन इवेंट अ पर्सन और अ थिंग नॉट प्रजेंट फिर से ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है विच कैन बी जर्नलाइज एज अ फॉर्मल एड्रेस टू एन इवेंट अ पर्सन और अ थिंग नॉट प्रजेंट मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जनरल है जो कि एक इवेंट के लिए लिखा जाता है और उस पर्सन और उस चीज के लिए लिखा जाता है जो कि प्रेजेंट नहीं होता ऑप्शन आपको दिए गए हैं सोनेट एलिजी या ऊट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊट बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ immortality फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली childhood इज द poetic वर्क ऑफ विच poet? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता होगा लेकिन आप फिर भी आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ऑप्शन आपके पास विलियम वर्सवर्थ विलियम शेक्सपियर और जॉन किड्स क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न इज रिटन बाय एस टी कॉलरेज जॉन किड्स विलियम इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच लिटरेरी फॉर्म इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोएट्स राइटिंग इन एनशियट ग्रीक यानी इनमें से कौन सा लिटरेरी टर्म्स सबसे पहले डेवलप किया गया वो भी एनशियट ग्रीक में ऑप्शन हैं आपके पास ओट सोनेट बेलेट आपको पता है ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस मैं आपके थोड़ा सा क्लैरिटी आपके कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ इसका जो सही आंसर है ओट ओट इसका सही आंसर है एक और क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा अ स्टोप एंटी स्टोप एंड एन ई पोट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ विच पोएट्रिक फॉर्म ऐसा ही क्वेश्चन एल के एग्जाम में भी पूछा गया था एल सेस्टिना या ओट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कमेंट लिखने में कंजूसी ना करें एक बार ध्यान रखिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इसमें रिकॉल होंगे कि आपने वहाँ पे कोई कमेंट किया था ठीक है बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है होमर्स इलिया एंड ओ इज एन एपिक पोएम है या एलिजी जी पोएम है इसका सही आंसर है एपिक पोएम मुझे पता है कि होमर आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन जो होमर्स और इलियट की जो ये हैं होमर्स और इलियट और ओडिसी ये आपके बेसिक लिटरेरी टर्म्स में कवर होते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच पोइट्रिक फॉर्म लेक्स अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम मेट्रिकल पैटर्न और म्यूजिकल फॉर्म ऑप्शन आपके पास ब्लैंक वर्स फ्री वर्स एंड राइम पोएट्री क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा यही क्वेश्चन आप वहाँ पर मिस करके आते हैं उसने आपसे कहा है कि लैक्स ऑफ कंसिस्टेंट राइम स्कीम इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्री फ्रीवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अपोयम विच इज़ फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम एंड आल्सो डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड फ्री फ्रीवर्स पेस्टोरल एंड एपिक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें उसके बाद आप इसका आंसर देंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्री वर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर हेकू पोइटिक फॉर्म हैज़ बीन ओरिजिनेटेड ऑप्शन है आपके पास फ्रांस जर्मनी जापान मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा इसका सही आंसर क्या है जापान नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेकू इज अ डैस पोइटिक फॉर्म टू लाइन की पोइटिक फॉर्म होती है या थ्री लाइन की पोइटिक फॉर्म होती है या फोर लाइन की पोइटिक फॉर्म होती है इसका सही आंसर है हेकू आपकी थ्री लाइन की पोइटिक फॉर्म होती है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेकू कंटेंस थ्री सेक्शन स्ट्रक्चर इन अ डैश पैटर्न जो हेकू जो पोएम होती है वो किस पैटर्न पे आपकी बनी होती है फाइव सेवन फाइव यहाँ पर आपसे सिलेबल की बात कर रहा होगा जिसने भी हेकू पढ़ा है उस वो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा फाइव सेवन फाइव फाइव सिक्स फाइव या फाइव थ्री फाइव इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइव सेवन फाइव इसी क्वेश्चन के साथ आज की वी वी वीडियो का मेरा जो टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का टारगेट मैं आज लेके चलूँगा क्वेश्चन अगर आपको जरा भी सही लग रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चनस लग रहे हैं थोड़ा सा यूनिक लग रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपने कुछ नहीं करना बस आपने इस बड़े से अंगूठे से छोटा सा वो जो वहाँ पे अंगूठा बना रहता है उसको दबाना है बाकी आपने कोई एफर्ट नहीं करना ना आपने पीपीटी बना के मुझे भेजनी है ना आपने कलर करना है ना कुछ करना है बस आपने क्वेश्चन देखना है सुनना है और लाइक का बटन दबा देना है ये छोटी सी चीज़ें आपको लेक्चर के एग्जाम में मदद कर सकती हैं वीडियो से अगर एक दो भी क्वेश्चन आते हैं तो वही आपको मेरिट में आगे ले जाते हैं कोई भी बंदा दस नंबर से बारह नंबर से बाहर नहीं होता बाहर होने वाला केवल एक नंबर से पॉइंट नंबर से ही होता है इस बात का ध्यान रखें बढ़ता हूँ मैंनेक्स्ेक्स क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अ शॉर्ट पोयम विच यूजेज अ क्लैरिफाइंग लैंग्वेज टू कन्वे द इसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर मोस्टली लिंक्ड टू द ह्यूमन कंडीशंस इज क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछा है अगर आप थोड़ा सा इसके अगर ऑप्शन को देखेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए उसने क्या है शॉर्ट पोएम है जो कि क्लैरिफाइंग लैंग्वेज टू कन्वे द इसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर मोस्टली लिंक टू द ह्यूमन कंडीशन सबसे बड़ी बात जो उसने दी है उसने कहा अ शॉर्ट पोएम क्या क्या है शॉर्ट पोएम आपको पता है बैलिट कोई शॉर्ट पोएम होती नहीं है और एलई e. भी कोई शॉर्ट पोएम नहीं होती है इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा हेकू हेको इसका सही आंसर होगा इस बात का ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर टू विच पोएट्रिक फॉर्म अ नेरेटिव पोएट्री टेल्स अ स्टोरी ओट सोनेट ईपिक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इपिक उसने आपसे पूछा था किस पोएट्रिक फॉर्म के सिमिलर जो एक नेरेटिव पोएट्री होती है वो एक स्टोरी बताती है स्टोरी बताने का जहां पे भी काम आया आपको पता है हम लोग महाकाव्य में महाभारत रामायण इन सभी में हम एक स्टोरी ही सुनते हैं इसलिए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव पोइट्री इज एन आर द मिड नाइट राइट ऑफ पॉल रेवरी बाई हेनरी वॉट्सवर्थ द राइम ऑफ द एंशियट माइनर बाई एस टी एंड बूथ ए एन बी इसका सही आंसर है बूथ ए एन बी ठीक है क्वेश्चन आपकी सिलेबस से ध्यान दीजिएगा उसने पूछा है कि नेरेटिव पोएट्री कौन सी है ठीक है राइटर आपकी आप आपके सिलेबस से है नहीं है डजेंट मैटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अ पोइट्रिक फॉर्म विच डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप्स इज ये पिछली बार पीजीटी यूपी के एग्जाम में पूछा गया है इसका भी आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद ही दें उसने सिंपल सी बात है उसने कहा कि नेचुरल वर्ल्ड हमको दिखता है और रूरल लाइफ सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है रूरल लाइफ उसका सही आंसर क्या होगा पेस्टोरल पोइट्री ठीक है पेस्टोरल का मतलब ही क्या होता है जो एक आ, आपका जो चरवाहा होता है जो आपका भेडियो का चरवाहा होता है उसी को हम पेस्टोरल पोइट्री कहते हैं तो पेस्टोरल पोइटरी में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें विलेज की लाइफ देखने को मिलती है रूरल और अर्बन एरियाज के बारे में उसमें जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है नेचर को उसमें ज़्यादा दिखाया रहता है बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब यहाँ पर से क्वेश्चन कुछ बेसिक से ग्रामर से लिए गए हैं और ये आपकी रेन एंड मार्टिन वाली जो क्लास टेंथ में बुक लगती है वहाँ से मैंने कुछ लिए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगा तो मैंने आपको बना दी है पोइम आपकी पीपीटी तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ग्रामर का वो है दे ऑल न्यू दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होमिसाइड बट नो वन कुड डैश इट दे ऑल न्यू दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होमिसाइड बट नो वन कुड डैश इट यहाँ पे क्या आएगा प्रूव आएगा या प्रूफ आएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा प्रूव और प्रूफ में बहुत डिफरेंस होता है जो आपका प्रूव होता है ये आपका एक वर्ब होता है जबकि एक जो प्रूफ होता है ये आपका नाउन होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखेंगे नो वन कुड प्रूव इट तो यहाँ पे प्रूव वर्ड आएगा ठीक है और होमिसाइड हम होमिसाइड किसे कहेंगे ये वर्ड इस बार उत्तराखंड एल के एग्जाम में पूछा गया था ठीक है होमिसाइड आप मुझे बताएंगे इसको हम किसे कहते हैं होमिसाइड नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डू यू हैव एनी डैश ऑफ योर आइडेंटिटी अब यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आपने मुझे बताना है इनमें से क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर पूछेगा आयोग एक नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स को स्किप करते हैं इसलिए आप जो आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड है उनको एक बार आप जरूर रिवाइज़ करें एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्ट हो गया और आपके प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया इनमें वर्ब और नाउन का ही डिफ्रेंस रहता है और लेकिन ये मार्क्स गेनिंग होते हैं अगर आपको आते हैं तो तो डू यू हैव एनी डैश ऑफ़ यूर आइडेंटिटी यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रूफ आएगा ठीक है डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ़ यूर आइडेंटिटी क्योंकि प्रूफ क्या है एक नाउन है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी पहचान के लिए कुछ है आपके आपका जो आधार कार्ड होता है वो प्रूफ होता है प्रूफ मतलब वो एक नाउन है ठीक है कोई वहाँ पर वर् बाय एक्शन नहीं हो रहा तो इसलिए सही आंसर इसका प्रूफ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिर से ग्रामर से आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ दिस सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट ऐसे क्वेश्चन डी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए थे तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके हाइफन के कॉन्सेप्ट से लिया गया हाइफन का मतलब होता है जो आप बीच में डैश लगाते हैं ठीक है आयोग आपसे आपको पता है कि किस तरीके का पेपर बनाता है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा उसने आपसे पूछा है विच वन ऑफ दिस सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी सेंटेंस को आराम से देखिए ठीक है थेके? क्योंकि होता क्या है हम जब पेपर दे रहे होते हैं तो हम वहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना हमको जल्दी लगती है तो हमारा वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ें ही वहाँ पे नोट करने के लिए आयोग आयो, आयो, आयो आपसे डिमांड करता है तो आप यहाँ पे पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस आपसे कह रहा है आवर प्रोफेसर मच लव्ड वॉज सिक्सटी फाइव ओल्ड अब आप यहाँ पे देखिए अवर प्रोफेसर इसने दिया है प्रोफेसर क्या है एक नाउन है लेकिन मच लव्ड ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो मच लव्ड हमेशा नाउन से पहले आएगा तो अवर मच लव प्रोफेसर वॉज सिक्सटी फाइव ओल्ड अब आपको ये थोड़ा बहुत सही लग रहा होगा लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो इसने यहाँ पे लिखा है सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड जितने भी हम नंबर लिखते हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव नाइन्टी फाइव तो ध्यान रखिएगा हम उनके बीच में ऐसे नंबर्स के बीच में हाईफन लगाते हैं हाईफन का मतलब डैश लगाते हैं तो इसने डैश नहीं लगाया है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप, आ, आपको रेन एंड मार्टिन की किताब में मिल जाएगा या आपको अदर जो कंपिटिव बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा तो यहाँ पर से इस तरीके से एरर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो तो इसलिए अवर मस लव प्रोफेसर यहाँ पे तक तो ठीक है लेकिन वॉज 65 फाइव ईयर ओल्ड इसने गलती क्या करी कि इसने 65 फाइव की विषय हाईफन नहीं लगाया है ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अवर मस्ट लव्ड प्रोफेसर वॉज सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड आपको जो नेक्स्ट नेक्स्ट इसने सेंटेंस दिया है अवर मस लव प्रोफेसर ये भी सही है वॉज सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड वॉज सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड ये बिल्कुल सही सेंटेंस है अब बाकी गलत ये वो मैंने आपको बताया अगर मैं नेक्स्ट वाला भी देखूँ अवर प्रोफेसर मच लव प्रोफेसर प्रोफेसर मच लव नहीं होगा अवर मस लव मच लव प्रोफेसर यहाँ पे सही होगा ठीक है बस आपने हाइफन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देना है ठीक है और आपका एक नंबर मिल जाएगा तो अच्छी बात है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा सिक्सटी फाइव जो ऐसे नंबर्स होते हैं और जहाँ पर आपको कोई नजर ना आ रहा हो एरर तो आप वहाँ पे हाइफन का एरर आप जरूर देखें तो इसलिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होगा ठीक है बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये भी आपका इसी से रिलेटेड है बेसिक से ग्रामर के टर्म से तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉम हैज़ जस्ट फिनिश्ड राइटिंग अ डैश आर्टिकल ठीक है यहाँ पर भी एक बेसिक सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा नाइन हंड्रेड वर्ड आएगा नाइन हंड्रेड्स वर्ड आएगा या नाइन हंड्रेड वर्ड्स आएगा अब आपको दिख रहा है भैया हाइफन तो सभी में है तो बिल्कुल सही है ध्यान दीजिएगा हंड्रेड्स कभी नहीं होता ठीक है वो केवल हंड्रेड होगा और यहाँ पर आपको वर्ड्स कभी नहीं होता ठीक है क्योंकि वर्ड आपने नाउन वाले पार्ट आप, आपने अगर नाउन पढ़ाई हैं तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वर्ड काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो वर्ड है ये कैसा नाउन है ये एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा जब भी हम ऐसा लिखते हैं नाइन वर्ड लिखेंगे ठीक है वर्ड्स नहीं होगा कभी कभी भी कोई वर्ड होगा नाइन वर्ड इज अ करेक्ट आंसर ठीक है इसलिए ध्यान देंगे बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें जैसे ही आप लाइक करते हैं फिफ्टी लाइक करते हैं उससे भी बड़ी बात जैसे ही मुझे अपनी डेटाबेस पर दिखता है कि दो शेयर वीडियो को हो चुके हैं ठीक है चाहे आप कैसे भी करिए चाहे आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं या चाहे आप फेसबुक में करिए तो ऐसे ही कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जहाँ से आयोग की अप्रोच हो सकती है वहाँ से मैं ग्रामर के क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपके हाई स्कूल और नाइन्थ से ही रिलेटेड है कोई ऐसे हाई क्लास नहीं है ठीक है बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है विच वन फॉलोइंग कंपाउंड एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा कंपाउंड एडजेक्टिव करेक्ट नहीं है ठीक है मैन मेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइफ लॉन्ग या फुल टाइम उसने आपसे पूछा है कंपाउंड एजेटिव कंपाउंड एजेटिव का मतलब क्या होता है कंपाउंड का मतलब होता है साथ में अब आप खुद ही लगाइए आइडिया कि आपको एजेटिव के साथ में मिलेगा क्या नाउन ही तो मिलेगा तो कंपाउंड एजेटिव उसने लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि एजेटिव का मतलब जो नाउन की विशेषता बताते हैं और कंपाउंड यानी उसके साथ कंपाउंड में होगा कौन साथ में कौन होगा एजेटिव के नाउन होगा तो आपके यहाँ पे दिख रहा है मेन क्या है नाउन है और मीट आपका एक एजेटिव की तरह काम कर रहा है मेन मीट मतलब हाथ से बना हुआ ठीक है नेक्स्ट आता है लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग में भी आपका एक नाउन है और दूसरा आपका एक एजट्री का काम कर रहा है लाइफ कैसी है लॉन्ग है ठीक है नेक्स्ट आता है फुल टाइम ठीक है टाइम मैंने आपको कैसा टाइम दिया अपना फुल टाइम दिया ठीक है टाइम तो आपका नाउन है लेकिन फुल के आपका एक एजेटिव का, का काम कर रहा है लेकिन अगर आप इसमें सेकेंड वाला वर्ड देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो आपसे बोल रहा है ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें ये आपका कंपाउंड नाउन नहीं है ठीक है क्योंकि इसमें पोस्ट आपका वर्ब का काम कर रहा है ग्रेजुएट आपका नाउन का काम कर रहा है और डिग्री आपका एक एक तरीके से आपका एजेटिव का काम कर रही है ठीक है तो इसमें जो आपका पोस्ट वर्ड आया वो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इसलिए ये इसका सही आंसर होगा ठीक है उसने पूछा सर नॉट करेक्ट एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा सभी लर्नर से कि जो भी पे वीडियो देखने जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आए ग्रामर के कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के एक्सेप्शन से उठा के लाया हूँ जिसने पढ़ें वो बहुत सही है जिसने नहीं भी पढ़ें तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूँ कि आपको अभी समझ में आ गया कि हाँ भैया नंबर के बीच में हाईफन आता है ठीक है और दूसरी बात ये हमने एरर में पकड़ना है और तीसरी बात ये कि आपको पता है कि हंड्रेड्स में हम ऐसे नहीं लगाते हैं है ना और लास्ट में वर्ड्स में भी ऐसे नहीं लगाते तो ये बेसिक से क्वेश्चन आज याद हो गई हो गए अगर पेपर में आएगा भी तो वहाँ पे आपके दिमाग में खुद ही ब्लिंक कर जाएगा तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है कल सुबह या कल शाम को फिर से आपको एक वीडियो मिलेगी जितने जल्दी होता है शेयर करिए लाइक करिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू